हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में देखते हैं फॉर्मूला को ऑटोमेटिकली ड्रैग डाउन करना। फॉर्मूला ऑटोमेटिकली फिल डाउन होता रहे, जैसे यहाँ एंट्री होता रहे, कुछ भी न्यू एंट्री होता रहे और फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली ड्रैग होता रहे। ए कॉलम में सिटी आईडी है और ये मास्टर शीट में सिटी आईडी एंड सिटी आईडी के अकॉर्डिंग सिटी के नेम्स है। तो यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप दिस कॉमा F4 कॉमा 2,0। ट्रेडिशनली हम इस फॉर्मूले को ट्रैक डाउन करते थे, बट उसमें जहां तक फॉर्मूला ट्रैक करेंगे वहीं तक काम करेगा। जैसे यहां तक ट्रैक कर रखा है तो इससे ज्यादा एंट्री होता है तो वो फिर से ट्रैक करना होगा। इस वीडियो में देखते हैं जो भी फॉर्मूले का काम है वो वन टाइम काम हो और जितना भी एंट्री होता रहे और वो ऑटोमेटिकली काम करता रहे। ये सारा डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे लगाना होगा, या तो मैनुअली एरे फॉर्मूला लगाएंगे, एरे फॉर्मूला, देन ये जो रेंज है A2 से लेके A कंप्लीटली नीचे तक, यानी कि एंड रेफरेंस दे देंगे। उसके लिए इसका रो नंबर डिफाइन नहीं करेंगे। अब एंटर करेंगे, ये अपने आप जा रहा, बट यहाँ पे ऐसे आने एरर आ रहा है। इसके लिए फिर इसी में भी कर सकते हैं, या तो इस वीलुकअप को कॉपी कर लेते हैं, इसको डिलीट, इज इक्वल टू इफ और एंड रेफरेंस के लिए रो नंबर हटा देंगे। दिस इज इक्वल टू ब्लैंक होगा तो ब्लैंक आए, अदरवाइज डेटा होगा तो ये वीलुकअप का फॉर्मूला आ जाए। अब यहाँ पे एरे फॉर्मूला मैनुअली भी लगा सकते हैं, नहीं तो एरे फॉर्मूला के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखिए, अब यहाँ पे 1003 कोई भी कोड डाल देंगे सिटी के, ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आता ही रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल लेफ्ट में कर देते हैं। एरे फॉर्मूला के बारे में डिटेल में देखना हो तो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ऐसे इस डेट से जो बिल डेट है वहां से ईयर एंड मंथ वो लेके आने हैं, इज इक्वल टू इफ ईयर यहां से लेना है और एंड रेफरेंस के लिए रो नंबर हटा देंगे। B2 इज इक्वल टू ब्लैंक होगा, कॉमा ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज ईयर, अदरवाइज ईयर आ जाए। और यहां पे एरे फॉर्मूला एंटर, ये देखिए ऑटोमेटिकली ईयर आ जाएगा। ऐसी सेम मंथ के लिए, अब यहां पे ईयर की जगह हो जाएगा टेक्स्ट P2 से लेके B कॉमा एंटर, इसको सेंटर में करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली मंथ का नेम आ गया, कंप्लीट मंथ चाहिए 4 times एम कर देंगे। अब सेल्स अमाउंट निकालना है, प्रोडक्ट कॉस्ट इनटू सेल्स क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
सेल्स अमाउंट निकालते हैं इज इक्वल टू इफ एंड, अगर ये दोनों ब्लैंक ना हो, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड सेल्स क्वांटिटी दोनों ब्लैंक ना हो। कॉमा सेल्स क्वांटिटी का रेंज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये दोनों कॉलम ब्लैंक ना हो देन दिस इंटू दिस, अदरवाइज ब्लैंक, एंटर। अब ये नॉर्मल फॉर्मूले में तो काम कर लेगा, बट ये एरे फॉर्मूले के साथ काम नहीं करेगा। ये देखिए लॉजिकल फंक्शन और एंड, ये दोनों फंक्शन एरे फॉर्मूले के साथ काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक लगाना होगा। इज इक्वल टू दो बार डैश या डबल नेगेटिव ब्रैकेट स्टार्ट जी प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेफरेंस नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा तो वन आएगा, अगर ब्लैंक होगा तो जीरो आएगा। डबल नेगेटिव से या डबल डैश से ये ट्रू फॉल्स को अगर ये नहीं करेंगे तो ट्रू फॉल्स में आएगा, ट्रू वन होता है फॉल्स जीरो होता है। वन और जीरो में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है ये डबल नेगेटिव या डबल डैश, और सेम ई को। अब इनको एरे में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें मैनुअली यूज करना नहीं है। हमने नॉट इक्वल टू ब्लैंक करा, जहां पे ब्लैंक ना हो ई नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ई ब्लैंक नहीं है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा, और जहां पे ब्लैंक होगा वहां पे फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए ये डबल डैश लगाया। अब दिस इंटू दिस ये एंड के लिए हो गया, अगर दोनों सही होंगे तो वन आएगा अदरवाइज जीरो होगा। अगर यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी में वन हो गया तो यहाँ पे जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लॉजिकल फंक्शन और एंड एरे फॉर्मूले में काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए ये ट्रिक है। अब J2 की जगह ये कर देंगे कॉपी, J2 को रिप्लेस कर देंगे इससे, एंड K यानी कि सेल्स क्वांटिटी ये, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब एरे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है, एरे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार में काम कर लेगा। और अब इसको यहाँ पे K2 की जगह, ये K2 का जो एरे फॉर्मूला है इसको K2 की जगह रिप्लेस कर देंगे, एंटर। अब इन दोनों को डिलीट करते हैं। अब इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं एरे फॉर्मूला को छोड़ के, पूरा भी कॉपी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बार एरे फॉर्मूला एक बार लगाने से सारे के लिए काम करता है, तो यहाँ पे भी एरे लगाएंगे, इसलिए एरे को छोड़ के बाकी फॉर्मूला के अंदर का पार्ट कॉपी कर लेते हैं और इसको डिलीट। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू वन होगा यानी कि ट्रू होगा, ये दोनों ब्लैंक नहीं होंगे, दोनों में डेटा होगा वन होगा, देन कॉमा दिस प्रोडक्ट कॉस्ट इनटू
सेल्स कॉस्ट, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे 20 होगा, 40 यूजर 80 आना चाहिए, एक कंप्लीट एंट्री करके देखते हैं। ये सारा ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, आपने वन टाइम काम कर दिया, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली होता ही रहेगा। ये देखिए ये सारा आ गया। ओके गाइस, इस वीडियो में एरे फॉर्मूला के थ्रू फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली फिल डाउन करना देखा। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।